हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? बहुत दिन के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ। असल में मैं बिज़ी हूँ और अभी अप्रैल के बाद से आपको मेकअप का ट्रिक्स और छोटी छोटी चीज़ों पे आप मेकअप कैसे कर सकते हो और बहुत सारी मेडिसिन्स भी जो आप घर में तैयार कर सकते हो वो सब भी मैं सिखाने वाली हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या हुआ, ठंडी में मेरे हाथ और मेरी स्किन बहुत ड्राई है, तो ठंडी में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरे हाथ पूरे ड्राई हो जाते हैं। खासकर मेरे हाथ की, इतने हाथ की, यहाँ से यहाँ तक की जो हाथ की स्किन है मेरी बहुत ख़राब हो जाती है और स्किन मेरी फेस की भी बहुत ड्राई है, तो ठंडियों में मुझे अक्सर प्रॉब्लम होता है। तो मैं अपने लिए बना रही थी तो मैंने बोला क्यों ना यूट्यूब पे ही डाल दूँ मैं। तो गोंद कतीरा है, अभी जो इसमें आपको पहले पिक जो दिखाया है वो गोंद कतीरा है, उसको ना इतना ऐसे पाउडर कर लिया मैंने, ये देखो पाउडर कर लिया है। ये गोंद कतीरे को ऐसे पाउडर मिक्सर में पीस जाता है, इस तरह से गोंद कतीरे को मैंने पाउडर किया है, एकदम पाउडर बन जाता है। इसको क्या करना है, गोंद कतीरे को सिर्फ इतना सा, ये देखो गोंद कतीरा इतना सा लेना है, सिर्फ ज़रा सा, और इतने गोंद कतीरा में कम से कम आधा कप आपको पानी डालना है और ये फूल जाएगा, और फूलने के बाद में ना इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी। ये देखो ये दिख रहा है, ये इस तरह से हो जाएगा, ये पूरा ठीक हो गया है, ये पूरा ठीक हो गया है। और इसमें क्या करना है, एक चम्मच ये जो है ना, इतना इसका आधा चम्मच, ये जो स्पून रहेगा इसका आधा स्पून आपको ग्लिसरीन डालना है इसमें, है ना, ग्लिसरीन डालना और इसको फूलने देना है। ये कुछ नहीं, एक दो घंटे में फूल जाता है, एकदम फूल जाएगा, देखो एकदम। आधा चम्मच से भी कम गोंद कतीरा लोगे और आधा कप पानी डालोगे ना तो ये इतना अच्छा बन जाता है। और इसको ना सिर्फ क्या करना है, आपको अपने जहाँ पे ड्राइनेस है ज़्यादा, जैसे अपने को डर है ना कि ज़्यादा ड्राई हो रहा है, रिंकल्स ना आ जाए, कि मेरी स्किन तो बहुत ड्राई है, इतना ही मैंने समझो ये लिया इतना। और इसमें एक ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है स्किन के लिए, तो मैं बस थोड़ी गिर गई है, आधा स्पून हो गया, आधा असल में पहले ही थोड़ी गिर गई, इतनी सी ग्लिसरीन डालना है और इसमें आधा कप पानी डालना है। इसको ना ऐसे पूरा मिक्स किया मैंने और मैंने आधे कप के करीब पानी, अब आपको लग रहा होगा कि इतना सारा गोंद कतीरा ज़रा सा डाला, इसमें आधा कप नहीं, ये फूलता है, ये बहुत फूलता है, आधा कप पानी हो गया, ये आधा कप पानी है, छोटा कप होता है ना चाय का, छोटा वाला कप होता है ना, उसका हाफ हो गया, ये काफ़ी हो गया। अब इसको आप है ना हाफ एन आवर के लिए भिगा के रख दो, ऐसे ही छोड़ दो, ये एकदम थिक शक्ल बन जाएगी इसकी, एकदम थिक हो जाएगा ये। और वो थिक को कुछ नहीं करना है, सिर्फ ना जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है दूसरा वाला, ये मैंने बनाया, देखो ये कितना ऐसा थिक हो रहा है ना, ये और थिक हो जाएगा, और थिक, इसमें पानी और भी डालूंगी तो भी ठीक हो जाएगा ये इतना अच्छा। और उसको ना क्या करना है, ये जो हाथ जहाँ पे मुझे रिंकल है ना, मैं वहाँ पे लगा के और मैं छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे स्किन की है प्रॉब्लम, मुझे मेरी स्किन बहुत ड्राई है, एक्चुअली मेरी स्किन बहुत ड्राई है, बस इतना सा लेना है और ऐसे लगा देना है। मैंने इतना सा भी लिया तो ये मेरे, ये कम से कम मुझे ना 15-20 दिन चलेगा आपको, इतना सा अगर आपने फेस और हाथ दोनों पे लगाया तो भी, और ऐसे लगा के छोड़ देना है। जादू तो नहीं करेगा लेकिन काफ़ी रिजल्ट देगा, जादू तो कोई चीज़ नहीं करती। अगर आप डॉक्टर से दवा भी लेते हो तो आपको कम से कम 3 दिन खाना पड़ता है सर्दी की दवा भी, है ना, तो उस तरह से ये काम करेगा, धीरे धीरे स्किन आपकी जो है ना ड्राइनेस से हट जाएगी, बहुत फ़ायदा करेगा। और एक विटामिन सी का, विटामिन ई का कैप्सूल भी आप खा सकते हो अगर स्किन ज़्यादा ड्राई, और पानी बहुत पीना चाहिए, और पानी बहुत पियो, ठंडी के मौसम में हम पानी कम पीते हैं, है ना, तो इसके लिए भी स्किन अंदर से ड्राई होती है, जिसकी ड्राई स्किन है उसको और प्रॉब्लम होता है, तो पानी भी ज़्यादा पियो। स्किन मेरी तो स्किन बहुत ड्राई, अब ये मैंने अपने लिए बनाया हुई है, 15-20 दिन तक मेरा ऐसे ही चलेगा ये। थैंक यू सो मच, मैं आपको ना अप्रैल में बहुत अच्छे अच्छे आपको वीडियो मिलेंगे, आपको मेरी तरफ से कंप्लेंट नहीं होगी, बहुत अच्छी वीडियो, बहुत सारे मेकअप की वीडियो डालने वाली हम, जो मेकअप के ट्रिक हम पहले करते थे और जो आज करते हैं
वो मैं सारी ट्रिक्स डालने वाली हूँ। बस अप्रैल तक का आप वेट कर लीजिए, अप्रैल के बाद बहुत अच्छा डालूँगी। आपको मेरा ये अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स लोगों को बता के सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको अप्रैल के बाद में धमाकेदार चीज़ें मिलने वाली हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। और इसको आप हफ्ते में 3 बार लगा सकते हो। आप इसको लगाओ और लगा के ना, जब आपने आराम करना है या रात का टाइम है या आप टीवी वगैरह कुछ, आप ऐसा कोई काम करें जिसमें आप बात नहीं कर रहे हो और आप चुपचाप बैठे हो, या आप किचन में भी खाना बना रहे हो तो वहाँ भी आपको बात नहीं करना होता, आप चुपचाप किचन में खाना बनाते हो, उसमें आप लगा लो और लगा के छोड़ दो। ये तो खाने की चीज़ है, कोई नुकसान करता नहीं है। तो आप इसको लगा के आधा घंटा एक घंटा छोड़ दो, हफ्ते में 3 बार लगाओ, पानी बहुत पियो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट है। स्किन को रिंकल आने से भी ये रोकता है, लेकिन ये ठंडा होता है। तो साइनस वाले हैं ना, जिनको साइनस का प्रॉब्लम है उन लोग ज़्यादा नहीं लगाएं, वो लोग हफ्ते में 1 बार लगा लें, और जिनको साइनस नहीं है वो आराम से लगा सकते हैं। या फिर आप लगा रहे हो आपको सर्दी हो गई तो आप फिर रोक दो उसको, और हफ्ते में कम से कम 3 बार लगाओ। और साइनस हो रहा है तो फिर रोक दो और फिर बाद में स्टार्ट करो। इसको फ्रिज में रख दो, ख़राब नहीं होता है। थैंक यू सो मच।